नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। आप देख रहे हैं खास खबर। देश भर में लोग चाहे आज एक दूसरे को मूर्ख बनाकर 1 अप्रैल के मजे ले रहे हो, लेकिन आज के दिन की शुरुआत कई बदलावों के साथ हुई। जहां एक तरफ आज रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम में इजाफा हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज में दरों में की गई भारी कटौती के फैसले को भी पलट दिया है। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में आज से क्या क्या महंगा हुआ है। आज से महंगाई की मार, जनता को एक और झटका, कई चीजों के दाम बढ़े, लोगों को करनी होगी जेब ढीली। आज से नया वित्तीय वर्ष 2021-22 शुरू हो गया है। देश में आज से जरूरतमंद चीजों के दाम बढ़ गए हैं। इसका आपकी जेब पर सीधा असर होगा। हवाई सफर से लेकर मोबाइल फोन, बाइक का, टीवी, स्टील, एसी, फ्रिज और कूलर तक सब महंगा हो गया है। यानी आम जनता पर आज से महंगाई की मार पड़ने वाली है। चलिए अब आपको बताते हैं आज से क्या क्या महंगा हुआ है। हवाई सफर, देश में आज से हवाई सफर भी महंगा हुआ है। सरकार ने घरेलू उड़ानों का न्यूनतम किराया 5% बढ़ाने का ऐलान किया था। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए आज से बढ़ गई है। यानी आपकी जेब पर डबल अटैक होगा। मोबाइल फोन्स भी आज से महंगे हो गए हैं। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोबाइल फोन्स पर इमोट ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया था। फोन्स के अलावा चार्जर, एडाप्टर, बैटरी जैसी एसेसरीज भी महंगी मिलेंगी। बाइक, कार समेत ज्यादातर वाहन आज से महंगे हो गए हैं। मारुति और निसान जैसी कई ऑटोमोबाइल कंपनियां गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान कर चुकी हैं। इसके पीछे लागत बढ़ने का हवाला दिया गया था। हालांकि ये बढ़ोतरी कितनी होगी, इसका खुलासा अब तक ऑटो कंपनियों ने नहीं किया है। टीवी के लिए आज से आपको 2 से 3 हजार रुपए तक ज्यादा दाम चुकाने होंगे। चीन से आयात होने वाले सामानों पर बैन के बाद से ही टीवी महंगे हो रहे हैं। बीते 8 महीनों में ही टीवी की कीमतें 3 से 4 हजार रुपए तक बढ़ गई हैं। स्टील के लिए भी आज से आपको ज्यादा दाम चुकाने पड़ सकते हैं। इसके पीछे घरेलू बाजार में कच्चे माल का लगातार महंगा होना और उत्पादन में गिरावट को जिम्मेदार माना जा रहा है। एसी, फ्रिज और कूलर, एसी, फ्रिज और कूलर के लिए भी आज से आपको ज्यादा कीमत चुकानी होगी। कंपनियों ने कच्चा माल महंगा होने के बाद ही एसी, फ्रिज और कूलर भी महंगे कर दिए हैं। बीमा, बीमा प्रीमियम भी आज से आपको महंगा पड़ सकता है। बीमा कंपनियां इसके अलावा तैयार हैं। कंपनियों ने कोरोना काल में बीमा लागत और खर्च बढ़ाने का हवाला दिया था। यूपी में शराब महंगी, यूपी में आज से देसी और विदेशी दोनों तरह की शराब महंगी हो गई है, क्योंकि विदेश से आने वाली शराब, स्कॉच, वाइन और वोडका पर परमिट फीस बढ़ा दी गई है। लेकिन बियर यूपी में अब 10 से 30 रुपए सस्ती मिलेगी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर नई टोल दरें, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गुजरना भी आज से महंगा हो गया है, क्योंकि नई टोल दरें आज से लागू की गई हैं। टोल में कम से कम 5 रुपए और अधिकतम 25 रुपए की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया है। बिहार में बिजली महंगी, बिहार में लोगों को बिजली आज से महंगी पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बिजली दरों में 0.63% का इजाफा हो गया है। इससे बिहार में बिजली प्रति यूनिट 5 से 10 पैसे महंगी हो गई है। साथ ही केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर में कटौती करने का फैसला वापस ले लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। देर रात ही खबर आई थी कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटा दी गई है, लेकिन अब ये फैसला वापस ले लिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि आदेश गलती से निकल गया था। जिस तरह से आज से जरूरत वाली चीजें महंगी हो गई है, उससे लोगों पर दोहरी मार पड़ी है, क्योंकि एक तो पहले से ही कोरोना की वजह से लोग मुश्किलों में थे और ऊपर से महंगाई अब लोगों की परेशानी का सबब बनती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। खास खबर में बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।